महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। हमारे आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत ग्रंथ होना ही चाहिए। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ श्री कृष्ण की सेना सहित यमन, ग्रीक आदि जगहों के योद्धा शामिल थे, तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यही कारण था जिसकी वजह से बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।